आज मंगलवार है तो मंगलवार का रोट करना है मुझे, तो मंगलवार के रोट के लिए मैंने ले लिया आटा। दैडे का चूरमा बनाना है उसके लिए मैंने जैसे आटा ले लिया, आटा में डाल लेती हूँ घी मोइन के लिए। मोइन अच्छे से लगा के इसमें, जैसे जितना घी डलेगा उतना ही अच्छे से मोइन लगेगा, और इसको अपने हाथों की सहायता से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। इसको पूरे आटे में जैसे अच्छे से मिक्स करके, और जैसे हम हाथ से मुठिया से बनाते हैं वैसे बन जाएगा, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। घी कम रहेगा तो फिर वो डाल लेंगे इसमें। तो मैंने अच्छे से आटा में घी मिक्स कर लिया था, उसके बाद मैंने डाल लिया पानी। पानी थोड़ा सा गुनगुना लिया है मैंने, उससे लगा लेती हूँ मैं आटा। और आटा लग के भी तैयार हो गया है, और यहाँ पर चढ़ा दिया हमने घी गर्म होने के लिए। जैसे आटा मैंने 2 बार में लगाया है, एक बार तो आपके साथ शेयर किया था घी डालते मोइन डालते समय, और यहाँ पर गुलगुला के लिए मैंने बना लिया। जैसे बैरों के गुलगुले बनाने हैं तो उसके लिए भी मैंने गुड़ घोल लिया था, और गुड़ के बना रही हूँ मैं। और आटा भी यहाँ सेट करके मैंने छोड़ दिया है। और ये ले लिया मैंने काजू, काजू क्योंकि मैंने इसमें दैडा के चूरमा में डालने हैं काजू और बादाम, तो इनको पहले मैं तल लेती हूँ। जैसे मुठिया मुठिया सा बना के डालूँगी उसमें चूरमा के लिए, तो उससे पहले मैं इनको तल लेती हूँ काजू और बादाम को। और साथ में ले लें डालने के लिए किशमिश। किशमिश तो मैं अलग जैसे कटोरी में डालूँगी, क्योंकि ये तो भूंदेंगी नहीं, तली नहीं जाएंगी, तो काजू और बादाम ही तले जाएंगे। काजू बादाम घी गर्म हो जाता है, इतना ही सारी तैयारी करके यहाँ पर रख लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है तैयारी करने में। मैंने इन ताजे से लिए हैं काजू बादाम जो पैकेट में थे, और घी मेरा गर्म हो गया इसमें डाल दिया मैंने काजू। थोड़ा सा हल्का ब्राउन कर लेती हूँ इनको। जैसे जर है तो इसको इधर उधर ही लाती रहूँगी, अभी तो पके नहीं हैं, जैसे अभी डाले हैं जस्ट, तो इनको इधर उधर करूँगी तो जलेंगे नहीं, धीरे धीरे इनको घुमाती रहूँगी। तो काजू मैंने डाले तो वो हल्के से ब्राउन हो गए हैं, अब इनको लेती हूँ निकाल, क्योंकि ज़्यादा जल जाएंगे तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, कड़वा कड़वा से हो जाते हैं। तो मैंने थोड़े से ब्राउन होते ही काजू को निकाल लिया है। अब इसमें डाल देती हूँ बादाम। बादाम भी मैंने सारे कढ़ाई में डाल दिए हैं घी में। यहाँ पर बादाम भी मैंने सारे निकाल लिए, अच्छे से तल के तैयार हो गए थे, और साथ में काजू भी पहले ही तल लिए थे, और किशमिश भी रख दी हैं। अब इनका जैसे मैं आटा है इसकी लोई बना कर थोड़ा सा बदा के इसको जैसे मुठिया मुठिया सा बना दूंगी, जैसे बीच से हाथ से बनाऊंगी तो ऐसे मुठिया बनाने के बाद जैसे बीच से भी अच्छे से पक जाएंगे। घी तो जैसे काजू और बादाम हल्का गर्म किया था मैंने तलने के लिए, अब अच्छा सा गर्म हो गया है, तो इसमें बनाई है मैंने पेड़िया सी, ये इसमें देती हूँ डाल। इनको जैसे सिम आँच पर धीरे धीरे धीमी आँच पर पकने देती हूँ, 5-7 मिनट में पक के तैयार होती हैं ये। जैसे एक तरफ से पक गई थी मैं दूसरे तरफ पलट देती हूँ इनको। जैसे मैंने कुछ तो जर से पलटे हैं, जर से अच्छे से नहीं पलटी जाती क्योंकि सारी नहीं आती, तो चम्मच की सहायता से जैसे इसको धीरे 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 जिस तरफ से पकी नहीं उस तरफ पलट दूंगी। जर में तो जैसे लेते हैं तो जर बड़ी है, उससे अच्छे से नहीं पलटी जाती, इसलिए मैंने चम्मच की सहायता से इनको सबको पलट दिया है पकने के लिए। तो इनका कितना अच्छा सा कलर आ गया है, ये पक के तैयार हो गई है। अभी लेती हूँ इनको निकाल, बहुत जल्दी बन के टेढ़ा का चूरमा तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता।
जैसे वो निकालने के बाद दूसरी मैंने बना के रखी थी वो भी डाल देती हूँ। इसी तरीके से मैं सभी को पका लेती हूँ पेड़ियों को। दड़ा के चूरमा के लिए वो पक रही हैं, इतने मैंने साथ में ही मिक्सी चला ली थी। और चीनी जैसे पीसनी है तो चीनी मिलानी है मुझे इसमें, तो चीनी को मैंने लिया है पीस। जैसे एक बार के मुठिया मुठिया से मैंने निकाले थे उनको मैं तोड़ के छोड़ देती हूँ थोड़े ठंडे हो जाएं, तो फिर इसको मिक्सी के जार में डाल के इनको अच्छे से पीस लेती हूँ। अभी तो थोड़ा देर इसको ठंडा करना पड़ेगा क्योंकि गर्म है मिक्सी का जार, मिक्सी चलाएंगे तो मिक्सी में नुकसान हो जाएगा। दूसरी भी पकने को जा रही हैं, इनको भी पलट देती हूँ, एक तरफ से पक गई हैं। और ये पहले मैंने निकाली थी ठंडी हो गई हैं, तो मिक्सी के जार में मैंने डाल लिया है, अब लेती हूँ इनको पीस। जैसे हमको ज़्यादा चूरमा बनाना होता है रोट के लिए, तो उसके लिए मैंने जैसे हाथ से चूरते हैं हाथ वाला, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे ऐसे बनाते हैं दड़ा का तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मिक्सी के जार में डाल के बहुत जल्दी पीस जाता है, ये तैयार हो जाता है। कितना महीन महीन से पीस के तैयार हो गया है। तो सारी मैंने बना के वो और पीस ली थी ठंडी करके, और साथ में मैंने चीनी को भी पीस लिया था। और चूरमा भी ठंडा हो गया है, थोड़ा ठंडा किया है मैंने, जैसे डालेंगे मीठा तो इससे पानी पानी गर्म में हो जाता है, तो मैंने वो नहीं किया, ठंडा पंखा के नीचे रख के कर लिया है। और इसीलिए मैं जैसे पंखा के नीचे बाहर बैठ गई हूँ, गर्मी बहुत है, जैसे थोड़ा ठंडा होता रहेगा साथ साथ में पानी पानी सा न बन जाए, तो इसलिए मैं यहीं पर इसको मिक्स बूरा डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे सब प्रॉपर काम करते हैं, गुलगुला बनाना, चूरमा बनाना और दाल बनाने तो काफ़ी टाइम लगता है। और थोड़ा सा मीठा बचा था इसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। काजू और बादाम मैंने तल के रखे थे, इनको लेती हूँ काट इसमें डालने के लिए। जैसे मिक्सी के जार में डाल के मैं पीस तो लेती हूँ, जैसे घर के लिए बनाती हूँ तो महीन महीन सब बच्चे भी वैसे खा लेते हैं। तो आज मुझे इसकी प्रसाद बनानी है, बाहर बांटनी है, तो इसलिए मैंने इसको मोटे मोटे से काट के इसमें मिक्स कर देती हूँ। आप सभी को जय श्री राम, और भगवान जी आप सब पर अच्छी कृपा बनाए रखे, सबका संकट काटे, सबकी अच्छी अच्छी झोलियाँ भरे बाबा के आशीर्वाद से। बाबा बजरंग बली सबको आशीर्वाद दें और सबका काम बने। मैं तो यही दुआ करती हूँ आप सबके लिए, जो मेरे YouTube फैमिली हैं उनके लिए। बादाम भी मैंने कट कर ली हूँ और चूरमा भी मेरा ठंडा हो गया अच्छे से। अब इसमें मिक्स कर देती हूँ काजू बादाम और किशमिश। जैसे मुझे खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर पिड्डा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, वो मैंने डाल लिया था, मैं उसके ऊपर बैठ गई हूँ। और इसको अच्छे से मैंने काजू बादाम डाल के अच्छे से मिक्स अपने हाथों से कर देती हूँ। फिर चूरमा बन के तैयार हो गया है। अब चूरमा बन के तैयार हो गया है बिल्कुल सही। अब बना लेती हूँ मैं गुलगुले। जैसे गुलगुले भी बनाने हैं बैरू के लिए, तो मैंने वो भी, जैसे बाबा का रोट लगता है तो उसके साथ गुलगुले बनते ही बनते हैं, तो वो भी मैंने बना लिए हैं। एक बार और डलेंगे और तो सब मैंने बना लिए हैं।
जल्दी जल्दी करके, जैसे हमने कुएं का पर बोरिंग बना रखा है वहां पर लगाना है रोड, तो वहां पर जाना है। तो गांव जाएंगे अब ससुराल, और वहां पर जाके भगवान जी को भोग लगाना है। वहां पर गए थे तो हमने छोटी सी क्लिप ले रखी है, तो आज इस वीडियो में तो डली नहीं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जैसे चढ़ते टाइम की छोटी सी ये वीडियो है, क्या क्या बनाया, गुलगुले बन के तैयार होगा, चूरमा बन गया और दाल बन के भी तैयार हो गई थी। दाल भी मैंने डाल ली है, जैसे मम्मी पापा हैं घर में तो उनके लिए दाल बना के मैंने रख ली है, और चूरमा और गुलगुले बना लिए हैं। तो अब जाना है हमें गाँव में, गाँव में करके आना है ये रोड, तो कुएं का है तो कुएं पर ही जाके भोग लगाना है भगवान जी को, बजरंग बली को और भैरू को। तो आप फिर जय श्री राम आप सभी को मेरी तरफ से। तो हम पहुंच गए थे घर, घर जाके गए थे मंदिर में, जैसे एक बोरिंग बना रखा है उस पर करनी थी पूजा, तो वहां पर पूजा हमने कर दी है। और ये है मम्मी, यहीं पर प्रसाद लगानी थी तो यहाँ पर कि प्रसाद बना के लेके गए थे, और यहाँ पर प्रसाद हमने चढ़ा दी है भगवान जी के, बाबा बजरंग बली के और भैरव बाबा के। और पूजा हमारी हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई हमने।